हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ बनाने वाले हैं राइस कटलेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए चावल जो हमारे बचे हुए थे, ये हमने एक बाउल में निकाल लिए हैं और हम हाथ की हेल्प से इसमें जो थोड़े बहुत लम्स हैं वो निकाल लेंगे और इसको मैश करेंगे हाथों की हेल्प से। और अब हम इसमें आलू डालेंगे। दो मीडियम साइज के आलू हमने बॉईल कर लिए थे वो अब हम इसमें डाल देंगे और इसको मैश कर देंगे चावलों के साथ ही। अब हम इसमें कुछ ये हमने प्याज काटा था वो डाल देंगे और हमने दो हरी मिर्च ले ली थी कटी हुई वो डाल देंगे। टमाटर डाल दिया हमने इसमें और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसमें आप कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, लाइक बीन्स, कॉर्न्स या कुछ और। अब हम इसके अंदर डालेंगे दो चम्मच मैदा और तीन चम्मच अरारोट या फिर कॉर्न फ्लावर भी कहते हैं उसे, वो डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले, नमक आधा चम्मच, रेड चिली, हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और गरम मसाला। और आपके अपने मनपसंद मसाले भी इसमें डाल सकते हैं। और मैंने कसूरी मेथी डाली है थोड़ी सी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको हाथ से मिला लेंगे अच्छे से और जो आलू मैश नहीं हुआ उसको हाथों से मैश कर लेंगे। देखिए अब ये थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है, पहले हम इसके सारे लम्स निकाल लेंगे और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हम इसको मिला पाएं। दो या तीन चम्मच हमने इसमें पानी डाल दिया है ताकि हम इसका एक डो तैयार कर लें, जैसे हम रोटी की आटे का आटा होता है वैसे डो तैयार कर लें। देखिए हमारा लगभग डो तैयार होने ही वाला है और अच्छे से इसको पाम्स की हेल्प से मत लेंगे और एक डो तैयार करने में हमें इससे मदद मिलेगी। देखिए हमारा डो हो गया है तैयार। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर तीन चम्मच मैदा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको मिक्स करेंगे, उसका एक बैटर बनाएंगे, बिल्कुल थिन बैटर। और एकदम से सारा पानी ना डालें क्योंकि फिर उसके अंदर लम्स बनने के चांसेस रहते हैं और फिर वो निकलते नहीं हैं और फिर बैटर भी अच्छा नहीं बनता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही उसको मिलाएं। देखिए हमारा बैटर बनने लगा है, बिल्कुल थिन बैटर बनाना है। देखिए हमारे डो की बैटर की कंसिस्टेंसी। अब हमने एक तेल रख लिया है गैस पर और हमने हाथों में तेल लगा लिया है ताकि ये चिपके ना जो हमने डो तैयार किया था। अब उसका हम छोटा सा पीस ले लेंगे और इसको एक कटलेट के फॉर्म में तैयार करेंगे और जो हमने बैटर बनाया था उसमें डिप कर ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप कर लेंगे और इसको हाथों से दबा देंगे ताकि जो ये हमने ब्रेड क्रम्ब लगाए हैं वो निकले ना, और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। हम सभी को पूरे बैटर को ऐसे ही तैयार कर लेंगे।
एक बारी में आप 4 या 5 डालकर ही तलें, क्योंकि अगर ज़्यादा डालकर तलेंगे तो फिर वो जलने के चांसेस रहते हैं और अच्छे से तले भी नहीं जाते, तो इसलिए 4 या 5 ही डालें आप अपने तेल के अंदर। ये हमने डाल दिए हैं तेल के अंदर। हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको बनाएं। एक फॉक की हेल्प से इसको पलटते रहें ताकि अच्छे से सिक जाए, तल जाए अच्छे से सारी साइड से, और इसका सुनहरा ब्राउन गोल्डन कलर होने तक हम इसको तलेंगे। और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहें ताकि एक साइड से ही जल ना जाए। थोड़े थोड़े टाइम बाद ही इसको चलाते रहें, जब तक इसका सुनहरा गोल्डन कलर ना आ जाए। ये आप अपने बच्चों को कभी भी खिला सकते हो, जब अगर आपके बच्चे कुछ खाना पसंद नहीं कर रहे होते हैं, तो अगर आप उनको ये बना कर देंगे तो बहुत खुश होकर खाएंगे आपके बच्चे इसको। और आप इसको गेस्ट्स के सामने भी रख सकते हो उनके लिए बनाकर, और बनने में भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बच्चों की तो फेवरेट चीज़ बन जाती है ऐसी चीज़ें। आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हो, चाय के टाइम भी बना सकते हो शाम को। ये हो गए हैं तैयार, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।